मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हर्षोल्लास से मनाया शहीद भगत सिंह के दीवानों ने शहीद भगत सिंह का जन्मदिन। बुलंदशहर की तहसील सयाना में हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश चौहान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शहीद भगत सिंह के जयंती दिवस पर बाइक रैली निकाली। बाइक रैली दो दर्जन गांव में होती हुई प्रधान कार्यालय बुगरासी में पहुंची। बुगरासी में बाइक रैली का समापन किया गया। बाइक रैली के समापन के अवसर पर हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश चौहान ने सभी नगर निकायों में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की बात कही। रैली में दर्जनों गांव के सैकड़ों नौजवानों ने लिया हिस्सा। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद के जयकारों से गूंजा गांव। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी चेतावनी। बुगरासी के घंटाघर चौक पर 23 मार्च 2020 तक लगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा। ऐसा न हुआ तो खुद अपने खर्चे से लगाएंगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा और अगर माहौल बिगड़ा तो शासन होगा जिम्मेदार। संवाददाता आनंद सिंह चौहान। आज आप लोग यहाँ एकत्र हैं, क्या मसला है, किस वजह से आप लोग यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय हिंदुस्तान उत्थान पार्टी पे करते हैं? आज राष्ट्रीय उत्थान पार्टी की तरफ से शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस को अपना मनाया गया। एक्चुअल में शहीद भगत सिंह जी वो थे जिन्होंने जब हमारे देश पे अपना पूरी तरह से घिर चुका था, किसी के अंदर हौसला अफजा नहीं हो रही थी, तो एक भारत माता का लाल पैदा हुआ था जिसे सरदार भगत सिंह जिन्होंने बढ़ करके उनके साथी राजगुरु सुखदेव उन्होंने फांसी दी थी और जिस दिन उन्होंने फांसी दी थी उस दिन हर युवा के अंदर जोश आ गया था कि मैं भगत सिंह हूँ, मैं भी भगत सिंह हूँ। और जब से पूरे देश में एक जो चिंगारी गूंजी तो तभी से अपना हमारी आजादी की नींव खड़ी हुई और वो दिन हमें देखने को मिला जिसे 15 अगस्त 1947 के रूप में हम धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे वो सरदार भगत सिंह जी जिनको कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक परिपेक्ष में अलग अलग रखे, जिनको एक हादसे पर रख दिया गया है, कहीं ना कहीं इनको एक भुला दिया गया है, आज हमने एक अलग जगाई है। आज उनका हमने धूमधाम से शहीद दिवस मनाया है और हमने बुगरासी में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की शासन प्रशासन से और माननीय योगी जी से मांग की है। क्या नाम है आपका? मैं मनोज पाल, जिला बुलंदशहर से, मैं हिंदुस्तान उत्थान पार्टी का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका और आज यहाँ आने का मकसद क्या है? देखिए, आज मेरा नाम देवेंद्र सिंह निषाद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का निवासी हूँ और मेरी विधानसभा सयाना 66 लगती है और जो हमारी एक जो 66 विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हमारे ज्ञानेन्द्र भाई साहब जिनका पार्टी का नाम है हिंदुस्तान उत्थान पार्टी, उनका जो इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिला है और युवाओं में जोश ये रहा है कि सबसे पहले संपूर्ण भारत में जो आज देखने के लिए मिला है कि हमारे देश को आजाद कराने में हमारे कुछ ऐसे वीरों का बलिदान गया है जिनके लिए हमारे देश के कुछ जो नेता है उनका आज तक अस्तित्व खत्म कर चुके हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनको भूलते जा रहे हैं। वो हमें चाहे वो पुस्तक लेवल से हो चाहे वो और लेवल से हो, तो आज हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने शहीद भगत सिंह का 28 दिसंबर को जो है जन्म उत्सव मनाया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र में जो वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जितने भी युवा दल हैं उनके साथ रहेंगे और सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि 66वीं विधानसभा पे ज्ञानेश भाई को एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र में विजय बहुमूल्य दिलाने का काम करें, यही मेरी अभिलाषा। क्या नाम है आपका और आज यहाँ एकत्र होने का मकसद? मेरा नाम प्रवीण कुमार चौहान है और आज यहाँ पे हमें हिंदुस्तान उत्थान पार्टी की तरफ से शहीद भगत सिंह जी के जन्म उत्सव में बुलाया गया था। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से कोई सामाजिक संस्था या कोई भी देश की पार्टी इस प्रकार से शहीदों को बार बार याद करती है। लोग जो हमारे नौजवान है, भारत देश के जो नौजवान है, उनके रगों में खून की एक ऐसी चिंगारी लहर पड़ती है जिससे बहुत अच्छा लगता है और इस प्रकार के उत्सव बार बार मनाए जाने चाहिए और आज हम यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी के जन्म उत्सव में सभी लोग आए हैं, बड़े धूमधाम से प्यार से मनाया। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।